आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे सामने मौजूद है रौनक के माता पिता। तो चलिए बहुत जल्द ही इस खेल के जो नियम है वो समझा देता हूँ आपको। 6 प्रश्न आते हैं यहाँ, 5 लाख रुपए से शुरुआत होती है और पढ़ते पढ़ते ये जाते हैं 7 करोड़ तक। 2 पड़ाव है इस खेल में, पहला 25 लाख और दूसरा 1 करोड़ पर। आराम से खेलना है आपको। 3 लाइफलाइन्स है आपके पास, ऑडियंस पोल, फोनो फ्रेंड, डबल टिप। तो मिस्टर एंड मिसेस मुमना शुरुआत करते हैं इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में जिससे आपको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, रौनक का फेवरेट फूड क्या है? ए इटालियन, बी चाइनीज, सी साउथ इंडियन या डी राजस्थानी। वैसे तो रौनक सब कुछ खाता है, उसे सब पसंद है, लेकिन वो चाइनीज ज्यादा खाता है। भी चाइनीज पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5 लाख जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। दूसरा प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रौनक घर में सबसे ज्यादा किससे डरता है? ए दादा दादी, बी बड़े पापा बड़ी मम्मी, सी आप लोग यानी मम्मी पापा या डी नन ऑफ द अबव। डी नन ऑफ द अबव को लॉक कीजिए। डी नन ऑफ द अबव को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ओके, अगर रौनक किसी से नहीं डरता तो रौनक डरता किससे? वो डरता है सिर्फ काम वाली बाई से, क्योंकि उसकी मम्मी उसको रोज बोलती है जल्दी खाना खा ले नहीं तो तेरे को बर्तन घसने पड़ेंगे। 25 लाख जीत गए आप। आगे बढ़ते हुए बहुत जल्द ही अगला प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 50 लाख में अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ये रहा, जीनल की हॉबी क्या है? ए शॉपिंग, बी डांसिंग, सी लिस्निंग टू म्यूजिक या डी टीचिंग। कंप्यूटर जी ए शॉपिंग को लॉक किया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल के दूसरे पड़ाव में अगला प्रश्न। रौनक के स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ए मैथ्स, बी साइंस, सी इंग्लिश या डी ज्योग्राफी। मैंने कभी रौनक को पढ़े कर देखा ही नहीं है। कोई शंका है आपके दिमाग में? अमिताभ बच्चन जी, हम लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, फोनो फ्रेंड। कंप्यूटर जी, मिस्टर एंड मिसेस मुमना एक लाइफलाइन लेना चाहते हैं फोनो फ्रेंड की। आपसे निवेदन है कि इसे मिस्टर एंड मिसेस मुमना के लिए अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे मिस्टर एंड मिसेस मुमना बात कर सकते हैं? पहली है आलिशा, दूसरे है अरमान, तीसरे है रौनित। आप किससे बात करना चाहते हैं? हम आलिशा से बात करना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, आलिशा को फोन लगाया जाए। प्लीज। हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। क्या रौनित भैया, सुबह से मैं ही मिली थी प्रैंक करने के लिए। अरे भैया, आप मेरे को परेशान मत करो, अपने फ्रेंड्स के लोगों के साथ प्रैंक। अरे आलिशा जी, मैं अमिताभ बच्चन ही बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। मुझे सब पता है कि आप अमिताभ बच्चन की आवाज में एक्टिंग कर रहे हो। आलिशा जी, मैं अमिताभ बच्चन ही बोल रहा हूँ, आप कुछ गलत समझ रही हैं। क्या सच्ची कि आप अमिताभ बच्चन बोल रहे हो कौन बनेगा करोड़पति से? आई एम सो सॉरी। आलिशा, मेरे सामने बैठे हैं आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी, जो एक प्रश्न इनसे पूछा गया था उसके लिए उन्होंने फोनो फ्रेंड लाइफलाइन चूज की है। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो मिस्टर मुमना, आपका समय शुरू होता है अब। आलिशा बेटा, रौनक के स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? ए मैथ्स, बी साइंस, सी इंग्लिश, डी ज्योग्राफी। रौनक भैया का फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक। बेटा जल्दी बताना, अपने हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। हाँ, मैथ्स ही है। अमिताभ बच्चन जी, ए मैथ्स लॉक कीजिए। ए मैथ्स को ताला लगाया जाए। बिल्कुल राइट आंसर, आप जीत गए 3 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ये रहा, जैसे कि आप लोग बहुत सी सिटीज में रहे हुए हो, तो उनमें से रौनक की फेवरेट सिटी कौन सी है? ए शिरडी, बी एओला, सी नासिक या डी मुंबई। मेरे को लगता है शिरडी लॉक किया। ए शिरडी। ए शिरडी को लॉक किया जाए। हाँ। कंप्यूटर जी, ए शिरडी पे ताला लगा दिया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब। ओके, अगला सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर। काफी रोमांचक होता जा रहा है ये खेल। रौनक को अगर नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसी एक के लिए गिफ्ट लेना हो
तो वो किसके लिए लेगा? ए मम्मी पापा, बी फ्रेंड्स, सी रोनित, या डी जीनल? मेरे को लगता है जीनल के लिए लेगा, जीनल के लिए लेगा ना। ये सवाल काफी मुश्किल नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, है ना? अमिताभ बच्चन जी, डी जीनल को लॉक किया जाए। डी जीनल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। गलत जवाब। सही जवाब है ए मम्मी पापा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि रौनक की शादी हो रही है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। रौनक आज भी आपको सब में से सबसे पहले चुनेगा, क्योंकि आपके संस्कार उसके साथ है। अमिताभ बच्चन जी, मेरे बेटे का रिसेप्शन है 13 जनवरी को, तो आप पूरे फैमिली के साथ में जरूर जरूर आइएगा। व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आने की पूरी कोशिश करिएगा। जरूर सर। थैंक यू। देवी और सज्जनों, आज का हमारा खेल मिस्टर एंड मिसेस मुन्ना के साथ बहुत ही रोमांचक रहा। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ।